श्री रामलीला कमेटी जालंधर छावनी के प्रधान पद के लिए चुनाव 30 जुलाई को होने जा रहे हैं, तो वहीं इन चुनावों को लेकर जालंधर छावनी का माहौल गर्मा गया है, जिसके चलते अनुज शर्मा ने श्री रामलीला कमेटी के प्रधान पद के चुनावों के लिए बतौर उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर प्रमोद शर्मा, राहुल जिंदल, हरविंदर सिंह पप्पू, सुरेश कुमार, शशि, बॉबी गर्ग, सविंदर सिंह, अनिल बख्शी, शोभित, विजय भारद्वाज, मोहित, डिम्पल शर्मा, अंकुर गोयल, बंटी गोयल, अजय गोयल और अरुण गोयल भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जिदा कि तुहानू पता सीगा, असी रामलीला इलैक्शन दे फॉर्म अज सबमिट कर दिते है जी, और असी सारे 1100 वाले मैंबर, मेरे भरा जिन्हें भी मेरे नाल तुरदे है, उन्हां दा असी सहयोग चाहते हैं। वो बढ़ चढ़ के सानू वध तो वध वोटिंग करन और सेवा करन दा मौका प्रदान करन। मेरे वड्डे वीर नूं मेरे नाल, असी इन्हां दे नाल तुरना है और तुसीं सारे जणे ने साडे नाल तुरना है। ताडे सहयोग तो बगैर असी कुछ भी नहीं है। तुसीं सानूं सेवा करन दा मौका दो और इस प्लेटफार्म नूं असी वधिया तो वधिया लैवल ते लैके जाइए और राम जी दे प्रभु दा गुणगान सारे पूरे जग समाज च होवे। मैं समूह कैंट निवासियों से निवेदन करता हूँ कि मैंने रामलीला कमेटी के लिए प्रधान पद के लिए अपना नॉमिनेशन दिया, तो मुझे एक सेवा का मौका दीजिए ताकि मैं सुचारू रूप से कैंट में एक राममयी कथा का कराकर और अच्छे से दशहरा करा सकूं। इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, कृपया अपना सहयोग दीजिए और मुझे कामयाब कराइए ताकि इस बार का दशहरा कुछ हटकर दिखे सबको। जय श्री राम, जय श्री राम। जो कि अज दशहरा कमेटी का जो कि इलैक्शन 30 तरीक न हो जा रहा वै, ਉਹਦਾ ਅਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਟ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਵੋਟ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਣ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਪੂਰੇ ਕੈਂਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੀ ਅੰਕੁਰ ਗੋਇਲ पहले तो छावनी वासियों को श्री दुशहरा कमेटी के इलेक्शंस के बारे में जागरूक कराना चाहता हूं, जो कि 30 जुलाई को बड़ी धर्मशाला में होना निश्चित हुए हैं। इसमें सभी छावनी वासियों को और दुशहरा कमेटी के मेंबरों से अपील करता हूं कि वो अपनी कीमती वोट जरूर डालें। ठीक है, वो उनकी सोच है किसको डालनी, पर हम कहे कहेंगे डालने से पहले हर एक कैंडिडेट की वो व्यवस्था देखें, कहाँ का है, वो क्या काम कर सकता है और उसके साथ कौन से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये हमारी दुशहरा कमेटी बहुत पुरानी है और हर साल इसमें इलेक्शन के साथ कैंडिडेट चुना जाता है। इस बारी हमारे छावनी से अनुज शर्मा जी, जिनको हम प्यार से शिंटू भाई कहते हैं, वो खड़े हुए हैं। सभी छावनी वासियों से विनती है कि वो श्री राम जी के कार्य में पूरी ईमानदारी से वोट डालें, क्योंकि वो ये ना सोचे उनको कोई नहीं देख रहा है, उनको प्रभु श्री राम देख रहा है, इसलिए वो ईमानदारी से ही वोट डालें। आप सबसे यही अपील है, जय श्री राम।